अब लोग क्या करते हैं, चिमनी लगवा लेंगे, 3 साल के बाद फोन करके बोलेंगे घी निकल रहा है उसमें से, नीचे गिर रहा है। अब 3 साल तक हमने उसको ठीक ही नहीं करवाया, उसको कभी सर्विस ही नहीं करवाई। देखिए ये डाउन ड्राफ्ट चिमनी है, लेकिन एक चीज मैंने सबसे पहले भी बताई थी, आज फिर बताता हूँ, जब चिमनी चल रही हो तब हमने एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनोद शर्मा की किचन क्लास में। आज विनोद शर्मा जी हमें बताने वाले हैं चिमनी घर के लिए क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स की चिमनी होती है और आपके घर में कौन सी चिमनी बेस्ट रहने वाली है। विनोद सर, आज बात चिमनी की होगी पूरे एपिसोड में, जैसा कि हमने कहा था कि एक एक एपिसोड हम लेके आएंगे, उसकी डिटेलिंग देंगे, आज चिमनी की बात होगी। सबसे पहले जानना चाहूँगा विनोद सर कि चिमनी हमारे घर के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए पहले क्या होता था, चिमनी कोई भी किचन होती थी उसमें बॉक्सेस नहीं होते थे, उसके ऊपर शटर होता है। अब जब आप घर में कोई तड़का लगाते हैं या कोई पराठा बनाते हैं तो उसके ऑयल पार्टिकल्स सारे उस किचन में फैल जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा, अगर चिमनी घर में नहीं है तो वो ऑयली सा हो जाता है पूरा, आपको साफ़ करना पड़ता है, उसके लिए चिमनी हमारे को लगानी पड़ती है। सर ऐसा भी हमसे कई लोगों ने पूछा, जब हमने बताया चिमनी पर एपिसोड आने वाला है, उन्होंने पूछा कि नॉर्मल किचन में भी चिमनी लग सकती है, ऐसा तो नहीं मॉडलर किचन ही होना ज़रूरी है। किसी भी किचन में लगाइए आप चिमनी, किसी भी किचन में। अच्छा, और लोगों का ये भी सवाल है कि चिमनी खरीदने के बाद उसकी सर्विस में पैसा ज़्यादा लगता है या फिर उसकी मेंटेनेंस में पैसा लगता है। नहीं नहीं, देखिए अगर आपने घर में चिमनी लगाई है और आपके घर में कुकिंग जो तड़का वगैरह होता है या नॉनवेज जो बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसकी सर्विस हमें रेगुलर, ना भी बनता हो तो रेगुलर करनी है अपने को सर्विस। हर 15 दिन में अगर आप चिमनी को सर्विस कर लेते हैं अपने घर में तो चिमनी तो 10-15 साल तक चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन सर्विस पर डिपेंड है। अब लोग क्या करते हैं, चिमनी लगवा लेंगे, 3 साल के बाद फ़ोन करके बोलेंगे घी निकल रहा है उसमें से, नीचे गिर रहा है। अब 3 साल तक हमने उसको ठीक ही नहीं करवाया, उसको कभी सर्विस ही नहीं करवाई, तो बेसिकली तो ऑयल पार्टिकल्स ही शक करता है ना, वो 3 साल में इतना इकट्ठा हो जाता है ऑयल पार्टिकल, फिर वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है। आप उसको 15 दिन बाद करवाइए, वो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं उसका पूरा सर्विसिंग का आपको बताएंगे, तो सर्विसिंग रेगुलर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों घर बैठे बैठे आप सर्विस कैसे कर सकते हैं अपनी चिमनी की, बोल बिल्कुल मुफ्त में, वो बताएंगे विनोद सर अगले एपिसोड में। फिलहाल पूछ लेते हैं सर से कि सर चिमनी कितने टाइप्स की होती है, बताइए। सर देखिए चिमनी 3 टाइप की होती है, जैसे ये वॉल माउंटेड चिमनी है, ये जो आप देख रहे हैं, कि इसको हैंग आइलैंड चिमनी, आइलैंड बड़ी किचन में लगती है, इसको हम हैंग करते हैं ऊपर में। देखिए ये डाउन ड्राफ्ट चिमनी है, हालांकि ये बहुत कम सेल होती है, इसको जब भी घर आपका नया बनता है फर्श डालने से पहले इसका ऑर्डर आपको करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो पाइप है वो फर्श में से जाता है। अच्छा, जो फिटिंग है वो पहले से ही होनी चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए, उसके बिना नहीं लगा सकते आप ये। अच्छा, बहुत कम लगता है, बहुत कम चिमनी बिकती है, कॉस्टली भी है और बेसिकली तो फार्म हाउसेज में ज़्यादा लगती है ये। ब्रांडेड में ही आती है सिर्फ या नॉन ब्रांडेड? ये ब्रांडेड में ही आती है, ये नॉन ब्रांडेड में नहीं आती है। अच्छा, चिमनी। हाँ, तो लोगों का ये भी सवाल है विनोद सर हमसे पूछा लोगों ने कि घर जब बनता है, जब किचन तैयार होती है उससे पहले ही सारी फिटिंग हो जानी चाहिए एक बेसिक चिमनी के लिए या उसके बाद भी लग जाती है? नहीं नहीं, चिमनी तो बाद में लग जाएगी, लेकिन आपको किचन के साइज के हिसाब से उतनी जगह छोड़नी है। अब मान लीजिए आपकी किचन छोटी है तो उसमें 2 फीट की चिमनी लगेगी, एक जनरल लैंग्वेज में, थोड़ी सी किचन बड़ी है तो 3 फीट की लगेगी, वैसे 4 फीट की चिमनी भी आती है लेकिन बहुत कम सेल होती है उसकी, 3 फीट की चिमनी और 2 फीट की चिमनी ही ज़्यादा लगती है। अच्छा, सर सबसे सस्ती चिमनी कितने की आती है, क्या वो ब्रांडेड होती है नॉन ब्रांडेड होती है? नॉन ब्रांडेड, 4 से 5 हज़ार रुपये में चिमनी मिल जाती है। 5 हज़ार रुपये आप लगा के चलिए मिनिमम रेट जो है, और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो आइलैंड चिमनी है 75,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की भी आती है। बाकी जो एक रूटीन की चिमनी है, मतलब हम कहें भी घर में जो जनरल चिमनी है, वो 14 से 15 हज़ार रुपये में अच्छी चिमनी आ जाती है। ब्रांडेड 2 फिट की, अगर आप उसको 900 mm में लेंगे तो वो 25,000-26,000 के करीब। अच्छा, अगर नॉन ब्रांडेड चिमनी लगाते हैं लोग तो उसकी लाइफ कितनी रहती है सर? सर्विस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नॉन ब्रांडेड चिमनी की आपको कोई सर्विस नहीं देगा, चलने को तो हो सकता है वो भी 5 साल 6 साल 7 साल चल जाए, लेकिन आपको सर्विस कंपनी उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। सर आपने चिमनी के फिल्टर्स की बात की थी अभी, तो फिल्टर कितने टाइप के होते हैं चिमनी के? बेसिकली 3 टाइप के फिल्टर होते हैं, एक कैसेट फिल्टर होता है, ये कैसेट फिल्टर शुरू में ये कैसेट फिल्टर ही आया, इसमें सक्शन सीधी होती है बिल्कुल, ऑयल पार्टिकल जिसके अंदर
जमा होते हैं जो हम खोलते हैं कि सर्विस करनी है, बेसिकली यही वो चीज़ होती है जिसकी सर्विस करनी होती है। उसके बाद ये बैफल फिल्टर है, इसमें थोड़ा जिगजैग बना होता है, दिखने में थोड़ा सुंदर लगता है और इसमें ऑयल पार्टिकल्स भी अच्छे तरह से हो जाते हैं। एक होता है चारकोल फिल्टर, चारकोल फिल्टर सिर्फ उसी किचन में लगेगा जिसमें आपका पाइप बाहर ले जाने की जगह ही नहीं है। कई कई किचन ऐसी होती हैं कि उनमें स्कोप ही नहीं होता कि उसका जो पाइप हमने बाहर निकालना है वो है ही नहीं, उसके अंदर जगह ही नहीं है, तो उसमें फिर चारकोल फिल्टर लगता है। हाँ, चारकोल फिल्टर में क्या होता है, वो आपको हर 6 महीने के बाद चेंज करना पड़ेगा, 5 से 6 महीने के बाद। थोड़ा सा कॉस्टली है, 700-800 रुपये का सेट आता है वो, लेकिन आपको हर 6 महीने के बाद चेंज करना पड़ेगा, उसकी कोई सर्विसिंग नहीं होती है उसकी। अच्छा, वो चेंज ही करना पड़ता है। और इन दोनों की फ़िल्टर की सर्विसिंग? हाँ, ये तो सर्विसिंग हो जाती है। आप इसको आप हर 15 दिन में एक बार सर्विस कर लीजिए, ये 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है, 10 साल 15 साल आप जितना मर्जी चला लीजिए इसको। अगर आपसे कोई चिमनी खरीदता है तो उसकी सर्विस करने अगर कंपनी वालों को बुलाना पड़ता है या आप लोग खुद आते हैं? सर, जो भी कंपनी जो ब्रांडेड है वो 1 साल की उसकी वारंटी देते हैं, उसमें 2 सर्विसेज, कुछ कंपनीज 1 सर्विस फ्री देती हैं, कुछ कंपनी 2 सर्विस फ्री देती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी का उस टाइम क्या स्कीम चल रही है, कैसे क्या। अदरवाइज़ आप किसी भी से AMC ले लीजिए, चाहे हम लोग भी कर देते हैं AMC, उसमें हर 6 महीने के बाद सर्विस करनी होती है। बाकी अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जो आपको बताने वाले हैं, हो सकता है आपको AMC लेनी भी ना पड़े। अच्छा, ऐसा है? हाँ, आपको बहुत क्लियर कट बताएंगे सर। दोस्तों, अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, विनोद शर्मा जी खुद बताएंगे कि आपके घर में चिमनी सर्विस कैसे होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको बताने वाले हैं हम लोग को किस तरह। जो मोटर होती है चिमनी की मोटर, उसको आप जरूर 2-3 साल के बाद एक बार किसी भी टेक्नीशियन को बुला के आप उसकी सर्विस करवाइए, क्योंकि वो आप घर में नहीं कर सकते, उसके लिए टेक्नीशियन का आना जरूरी है। वो खोल के कभी सर्विस करने की मतलब कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा से आप उसको उसी हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सर, बेसिक चिमनी की बहुत बात हो रही थी, जो सबसे स्टार्टिंग चिमनी है वो जरा मुझे दिखा दीजिए कैसी होती है, सबसे बेसिक चिमनी कितनी होती है। और कई लोग होते हैं जिनके पास 1 BHK होता है, जनता फ्लैट होता है उनके पास, वो कितनी मतलब कितनी बड़ी चिमनी लगाएं घर के लिए, किचन के हिसाब से तय होता है? तो 2 फिट देखिए कम से कम साइज़ होता है चिमनी का, 2 फिट की चिमनी कम से कम होती है, तो वो तो साइज़ लगेगा ही लगेगा। तो जनता फ्लैट में 2 फिट की चिमनी, जैसे कि नॉर्मल होता है ये वाला डिज़ाइन, यही डिज़ाइन सबसे, ये 2 फिट है, ये 2 फिट का। सक्शन का भी कुछ हिसाब होता है? हाँ, सक्शन देखिए मतलब आप लगाइए 500 से सक्शन स्टार्ट हो जाती है इसकी, और 1200 तक रहती है। जो हमारी इंडियन कुकिंग है इसमें अपने को 1000 से 1200 सक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पराठा हमने बनाना ही बनाना है, तड़का हमने लगाना ही लगाना है। जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट से चिमनी आई थी उसकी तो सक्शन किसी की 500 होती थी, किसी 700 होती थी, वो कामयाब नहीं हुई हमारे यहाँ पे। तो अब हर एक चिमनी में 1000-1200 सक्शन होती है, और इतनी सक्शन आपको चाहिए, उससे कम की अगर आप चिमनी लगाएंगे तो चिमनी आपकी किचन में कामयाब नहीं होगी, अगर आपके यहाँ पे फ्राई का काम ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने सबसे पहले भी बताई थी, आज फिर बताता हूँ, जब चिमनी चल रही हो तब हमने एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाना है। देखिए, अगर आपने एग्जॉस्ट फैन चला दिया और चिमनी भी चला दी तो चिमनी का पर्पज़ ख़त्म हो गया फिर, क्योंकि चिमनी ने सक करना है ना, आपने एग्जॉस्ट भी चला दिया तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों तरफ सक हो गए आपके, तो चिमनी का पर्पज़ आपका ख़त्म हो गया। दूसरा, चिमनी जब हमने चलानी है, मान लीजिए हमने पराठा बनाना स्टार्ट किया, तो चिमनी हमें पहले चलानी है। जनरली क्या होता है, हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं उसके बाद चिमनी स्टार्ट करते हैं, तो तब तक वो जो धुआँ है पार्टिकल्स हैं वो साइड में चले जाते हैं। आप पहले चिमनी चलाइए उसके बाद तड़का लगाइए या पराठा बनाइए। हम देखना चाहेंगे वो सेंसर वाली चिमनी एक बार, सेंसर वाली चिमनी आजकल बहुत चल रही है, बड़ी डिमांड में है, ट्रेंडिंग में है, हमसे कई लोगों ने पूछा था ये सेंसर वाली चिमनी का बेसिकली काम कैसे करती है। ये आप इसको ऐसे करेंगे, ये ऑन हो जाएगी, ये ऑफ होगी, इसमें टाइमर भी लगा हुआ है। तो ब्रांडेड जो चिमनी होती है वो 14,000 से स्टार्ट है, 10,000 से स्टार्ट, लगभग 10,000 से स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, 10 से 15 साल वो चलती है अगर आपने उसकी। हाँ, 10-1 साल तो आराम से चल जाती है जी। बाकी लोग आजकल डेली डिजाइन नए आते हैं, लोग 3-4 साल के बाद चिमनी चेंज कर ही लेते हैं, अदरवाइज 10 साल तक चिमनी कहीं नहीं जाती है, लेकिन आपको उसकी मेंटेनेंस रेगुलर करनी पड़ेगी। वो आप बताएंगे हमें अगले एपिसोड में, बताएंगे आपको पूरी डिटेल में बताएंगे वो चीज़। अच्छा। 1 साल तक आपको टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो एपिसोड अच्छी तरह से देख लेंगे। तो दोस्तों, आपने आज विनोद शर्मा की क्लास में सीखा कि चिमनी कितनी तरह की होती है, चिमनी आपके घर के लिए क्यों ज़रूरी है, और अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं चिमनी की सर्विस कैसे करें। आप अगर बाहर से सर्विस करा रहे हैं
100-200-300-400 रुपए दे रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। विनोद शर्मा जी खुद आएंगे आपके पैसे बचवाने के लिए और बताएंगे आपको, फ्री की क्लास देने वाले हैं कि चिमनी की सर्विस कैसे होती है घर बैठे बैठे। तो अगली क्लास विनोद शर्मा की अटेंड करना मत भूलिएगा। विनोद सर लाइव आते हैं संडे को दोपहर 2 बजे और थर्सडे को 12 बजे हमारा एपिसोड आता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर। तो विनोद सर जल्दी से बोल दीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप खिचड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर संडे 2 बजे देखिए विनोद शर्मा की किचन खिचड़ी द फूड चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ।